Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video on exchange of gases. This is the part of respiratory system, right? आपके respiratory system का part है कि exchange of gases कैसे होता है. तो बच्चे आप कौन-कौन हैं? सबसे पहले कि कौन से gases का exchange होता है? तो यहाँ पे जो exchange होता है बच्चे आपका oxygen and carbon dioxide, right? अभी इस तरीके से आपका exchange of gases होता है. So diagram से समझते हैं बच्चे. Suppose this is the alveoli. ये आपके alveoli है. एंड आपका हाँ सो दिस इज योर ब्लड वेसल. ठीक है, ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल. एंड कौन सी ब्लड वेसल बच्चे? आपकी कैपिलरी. ठीक है, कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी ऑलवेज डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, सो आपकी जो एल्वोलाई है बच्चे, एल्वोलाई के पास कौन से सेल्स होते हैं? एल्वोलाई के पास बच्चे आपके सिंपल स्क्वामस सेल्स होते हैं. ठीक है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स. इस तरीके के आपके सेल्स हैं. यस, सो कौन से सेल्स हैं बच्चे? आपके सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, राइट. एंड बच्चे आपका चलो ये लो, यहाँ पे एल्वोलाई एंड कैपिलरी के बीच में बच्चे क्या है आपका? सब्सटेंस. कौन सा बच्चे? बेसमेंट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. ठीक है, सो इसको इस तरीके से दिखा देते हैं. सो यस, येलो वन इज बच्चे क्या है आपका? बेसमेंट सब्सटेंस. नाउ आपकी जो कैपिलरीज है बच्चे, कैपिलरीज भी क्या है? किस सेल से मिलकर बनी है बच्चे? ये भी आपके स्क्वामस सेल से मिलकर बनी है. ठीक है, ये भी आपके स्क्वामस सेल से मिलकर बनी है. कहते हैं हम स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम. एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं क्योंकि इट इज ड्राइव फ्रॉम एंडो एंडोडर्म. ठीक है, तो आप एंडोथेलियम भी लिख सकते, क्योंकि एंडोडर्म से आपका ड्राइव हुआ है. ठीक है, अब इतना होगा. अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है बच्चे, ध्यान से समझेंगे. ठीक है, आपका ऑक्सीजन एंटर किया, आपका ऑक्सीजन एंटर किया बच्चे एल्वोलाई से, राइट. अब एल्वोलाई से आपका ऑक्सीजन क्या करेगा? सिंपल स्क्वामस को क्रॉस करेगा, उसके बाद बेसमेंट लेयर को क्रॉस करेगा. एंड आपका अब क्या करेगा? फिर आपकी जो कैपिलरी है बच्चे, कैपिलरी आपके स्क्वामस एपिथेलियम की है, उसको क्रॉस करेगा, राइट. उसको क्रॉस करने के बाद सपोज यहाँ पे आपका सेल है, हम बनाते हैं. ठीक है, सपोज आपका यहाँ पे सेल है, दिस इज अ सेल. आपको पता है सेल कभी भी कांटेक्ट में नहीं आता ब्लड के, यहाँ पे आपका फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है. ठीक है, अब ये सेल क्या करेगा? आपका यहाँ से जो ऑक्सीजन यहाँ पे आया है, यस, आपका जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आया है, अब यहाँ पे आपकी कैपिलरीज पे पोर्स होते हैं बच्चे, जिनके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है. यहाँ पे क्या है? पोर्स है. पोर्स में से क्या निकलता है बच्चे? फ्लूइड बाहर निकलता है. ठीक है, पोर्स में से फ्लूइड बाहर निकलते हैं, तो उसी फ्लूइड के साथ क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन भी आपका निकल जाता है. देन ये ऑक्सीजन आपके सेल के पास पहुँचता है. ठीक है, ऑक्सीजन सेल के पास पहुँचा. जैसे ही ऑक्सीजन सेल के पास पहुँचा तो ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? आपका ग्लूकोज बर्न होता है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जब ग्लूकोज बर्न होता है आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होता है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, H2O रिलीज होता है, प्लस सम एनर्जी. एनर्जी तो आप ATP की फॉर्म में यूज कर लेते हो. यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे? दोबारा आपका सेल से बाहर निकलता है. जैसे यहाँ पे फ्लूइड होता है, फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आता है, और फ्लूइड के साथ ही दोबारा ब्लड कैपिलरी में चला जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड. फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपका ब्लड कैपिलरी को क्रॉस करता है, आपके बेसमेंट सब्सटेंस को क्रॉस करता है, सिंपल स्क्वामस को क्रॉस करता है. ठीक है, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा आपके एल्वोलाई से बाहर चला जाता है. ठीक है, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो एक और क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑक्सीजन क्रॉस बच्चे कितने क्रॉस करते हैं? थ्री बैरियर्स. ठीक है, ऑक्सीजन क्रॉस थ्री बैरियर्स. कौन कौन से बैरियर्स है बच्चे? चलो लिखते हैं नाम. द फर्स्ट वन ऑक्सीजन ने किसको क्रॉस किया?
आपके दिस सेल्स, ये वाले सेल इक्नीस, सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस आती थी ये, ठीक है। फर्स्ट सेकंड बच्चे किसको क्रॉस किया आपका, बेसमेंट सब्सटेंस, दिस सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस, एंड थर्ड वन बच्चे आपका थर्ड क्या है, थर्ड वन आपका जो कैपिलरी आपकी जो स्क्वामस आपी थी, राइट, स्क्वामस आपी थी। दोबारा अपना रिवाइज करते हैं, हमने क्या किया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे कि ऑक्सीजन आपका एल्वोलाई के अंदर आए, जब ऑक्सीजन आपका एल्वोलाई के अंदर आए तब क्या हुआ, एल्वोलाई की जो सेल है वो बेसिकली ये जो सेल है एल्वोलाई है वो किससे मिलकर बन गया, आपके सिंपल स्क्वामस से। तो आपके ऑक्सीजन ने सबसे पहले सिंपल स्क्वामस को क्या क्या क्रॉस किया, उसके बाद आपके बेसमेंट सब्सटेंस को, एंड देन आपके कैपिलरी के सेल्स को, इतनी स्क्वामस आती थी, राइट। So this is all about the exchange of gases. So if you like this video, please do subscribe and share with your friends. Thank you.